दोस्तों, तो जैसे मेरे पीछे देख सकते हो, मैं आया हुआ हूँ आपका माचपा क्रिकेट कोचिंग सेंटर। मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे और मेरे साथ है हेड कोच। तो सर पहले स्वागत है आपको। तो सर आज क्या होने वाला है यहाँ पे, थोड़ा हमारे दस्तक में बताएंगे। यहाँ में माचपा क्रिकेट क्लब और यंग अमेचर क्लब के अंडर में जो माचपा क्रिकेट कोचिंग सेंटर है वो एक अंडर 13 इंटर कोचिंग गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट में जितना कोचिंग है उन लोग के बीच में एक टूर्नामेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये टूर्नामेंट 30 ओवर्स का होगा और ये टूर्नामेंट एससीए से रिकॉग्नाइज्ड है। तो आशा करते हैं इस टूर्नामेंट से हम लोग अच्छा प्लेयर दे सके इन फ्यूचर गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो आगे जाके स्टेट रिप्रेजेंट करे, हो सके तो इंडिया रिप्रेजेंट करे। तो हम लोग उसके लिए प्रिपरेशन किए हुए हैं। हम लोग का टफ विकेट नहीं है लेकिन हम लोग मैटिंग वेट में करा रहे हैं। और जैसे देख सकते हैं हम लोग का ये जो ग्राउंड छोटा उसके लिए हम लोग नेटिंग भी लगा दिए, जो बॉल बाहर ना जाए, कोई इंजोर ना हो उसे। और हम लोग का जो टूर्नामेंट है उसमें जो एम्पायर्स है, स्कोरर्स है, वो भी एसीए के पैनल से है। तो हम लोग होपफुली अच्छा टूर्नामेंट दे सके और कोशिश करेंगे हर साल ये टूर्नामेंट करें। इस बार 12 टीम है, हो सके अगले साल और टीम आए, बस वही। तो उसके लिए सब प्लेयर्स को और ऑफिशियल्स को ऑल द बेस्ट करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। एक चीज और पूछना चाहूंगा, जितना भी टीम है यहाँ पे वो टोटल असम बेस है ना, गुवाहाटी के अंदर जितने टीम? ओनली गुवाहाटी, कामरूप डिस्ट्रिक्ट। ओनली कामरूप डिस्ट्रिक्ट में जो आपका अप्रोक्स 12 टीम्स ज्वाइन कर रही है। आज फर्स्ट मैच किसके बीच में खेला जा रहा है? फर्स्ट मैच है बेल्टोला क्रिकेट कोचिंग सेंटर, वो एक नया टीम है और है रॉयल्स एकेडमी जो लाटासिल में है। और इस टूर्नामेंट में तीन चार नए टीम्स भी है, जैसे बेल्टोला क्रिकेट कोचिंग सेंटर है, जैसे अबू नचीम अहमद जो आईपीएल खेले हुए हैं उनका भी एक टीम है, और है द इलाइट, उसका कोच मोनी नाथ है, और एक है आइकॉन क्रिकेट एकेडमी। तो तीन चार नए टीम्स भी आए हैं जो इस बार फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हम लोग का अपना जो होस्ट क्लब है उन लोग का भी एक टीम है माचपा क्रिकेट कोचिंग सेंटर। तो ये सर हमारे हेड कोच हैं और सर का नाम मीर हुसैन है। तो अच्छा लगा, नाइस, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि छोटे बच्चों के लिए, कि बहुत कम टूर्नामेंट होता है गुवाहाटी में, जहां तक देखा है अंडर 16 अंडर 19 ज्यादा टूर्नामेंट होता है, उसके लिए मेरे को ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे माचपा में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देखने मिल जाएगा। और पिच जो ग्राउंड देख सकते हो, ग्राउंड प्ले भी है, पावर प्ले भी है और ग्राउंड तो देखिए बहुत अच्छा है। कि बच्चों में, क्योंकि छोटे बच्चे बैट मारने से प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बहुत सारी फील्ड में क्या होती है छोटे बच्चों का मैच होने से गिरने से छीन जाती है, बट यहाँ में वो प्रॉब्लम नहीं होने वाला। यहाँ पे पूरा आपका ग्रास देख सकते हो बहुत अच्छे से और मेन विकेट पे मैच होने वाला। ओवर्स कितने ओवर्स का होने वाला? 30 ओवर्स का होने वाला। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। কোনে ঘুরাবা, কোনে তুমি ঘুরাবা? তুমি ঘুরা, তেতিয়া তুমি কবা। হ্যাঁ, এইটো হেচ, এইটো তেল চাই লোৱা। ওকে, টেলস টেলস বেটিং। ইন্দ্রলিলি মজুমদার বৰুৱা মেমোরিয়াল ট্রফি ইন্টার কোচিং আন্ডার 13 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আমি আয়োজন করব ওলাইছো। আহমেদ আর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুক্তাদি। এবার আমি সম্বর্ধনা জানাবো আর কলম নকরা করে মই দুয়ো অতিথিক অনুরোধ। Yay!
धन्यवाद। को फाइनल।